अभी ये राजभाषा कार्यक्रम होगा, सम्मेलन होगा। भिंडर नगर पालिका द्वारा सरकारी जमीनों पर कब्जा करने तथा अवैध निर्माण कार्यों पर जारी कार्रवाई के तहत सोमवार को एक और कार्रवाई को अंजाम देते हुए पालिका ने सोमवार सुबह 5 दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की। भिंडर रोड पर रेलवे स्टेशन पर स्थित भिंडर निवासी आशुतोष चौधरी की 5 व्यवसायिक दुकानों को नगर पालिका अधिशासी अधिकारी रोहित कुमार मील ने सीज कर दिया। इससे पहले निर्माणकर्ता को नोटिस भी दिया गया था, जिस पर कार्रवाई नहीं करने पर सोमवार को कार्रवाई करते हुए सीज कर दी। ये दुकानें स्वीकृत नक्शे एवं पट्टे से अधिक निर्माण कार्य कर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया था, साथ ही मास्टर प्लान के अनुसार प्रस्तावित सड़क मार्ग की जद में आ रही है, इसी कारण इसे सीज किया गया। इस दौरान मौके पर भिंडर थाना पुलिस भी मौजूद रही। आज नगर पालिका के द्वारा अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। आशुतोष चौधरी द्वारा नगर पालिका की भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसके खिलाफ बोर्ड में भी प्रस्ताव लिया गया था और उसकी जांच बोर्ड के द्वारा गठित कमेटी द्वारा की जा रही है। आगे भी इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और अतिक्रमणियों को सावधान किया जाता है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की जमीन पर कब्जा किया जाएगा तो नगर पालिका द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वल्लभ नगर ग्राम पंचायत में पंचायत भवन पर मतदाता जागरूकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार समस्त नागरिकों